बीजेपी जदयू में वार पलटवार। सुशील बोले, जदयू विधायकों का भविष्य अंधेरे में। संजय बोले, मोदी बेचैन आत्मा। नमस्कार, मैं हूं परितोष कुमार, आप टीडी न्यूज पर बिहार नीति देख रहे हैं। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 के लिए महागठबंधन का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, लेकिन पार्टी नेतृत्व का उत्तराधिकारी तय नहीं किया। इससे जदयू विधायकों का भविष्य अंधेरे में है। मोदी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं कि उन्हें पद की लालसा नहीं, तो उन्हें तेजस्वी यादव या अपने ही दल के किसी व्यक्ति को कुर्सी सौंप देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जदयू विधायक अगला चुनाव किसके चेहरे पर जीतेंगे, यह बड़ा सवाल है। राजद के 60 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो जदयू को हरा कर सदन में पहुंचे हैं। इन सीटों पर जदयू का भविष्य अंधकारमय है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने जदयू को जिस तरह से राजद का बंधक बना दिया, जिसमें जदयू के जीते हारे प्रत्याशियों को अपना भविष्य स्वयं तय करना होगा। पार्टी और सरकार पर नीतीश कुमार की पकड़ समाप्त हो चुकी है, हर जगह विद्रोह की स्थिति है। उन्होंने कहा कि जिनसे बिहार नहीं संभल रहा है, वे देश संभालने के लिए दावे कर रहे हैं। जदयू विधान पार्षद व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय सिंह ने मंगलवार को कहा कि भाजपा नेता सुशील मोदी को दूसरों के घरों में ताक झांक की आदत है। नीतीश कुमार किसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे या फिर किसे नेतृत्व देंगे, यह जदयू का आंतरिक मामला है। वैसे भी अभी नेतृत्व की बात कहां है, सुशील मोदी अपने काम से मतलब रखे तो अच्छा रहेगा। संजय ने कहा कि सुशील मोदी बेचैन आत्मा की तरह हैं, सभी जगहों पर अपनी बात कहते रहते हैं। वह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे भाजपा ने कभी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं माना। संजय ने कहा कि सुशील मोदी को यह बताना चाहिए कि भाजपा में आज की तारीख में एक भी नेतृत्व है क्या। जब भी भाजपा बिहार में चुनाव जीती है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नेतृत्व रहा है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें टीडी न्यूज। नमस्कार।